पाकिस्तान में शिक्षण संस्थानों में खुली बकरा मंडी। भारत के आईआईटी की नकल करने के चक्कर में पाकिस्तान में हुआ बड़ा कांड। भारत के आईआईटी को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने खोला था आईटीयू। 9 साल बाद कैंपस बना बकरा मंडी, दुनिया में हो रही जग हसाई। लो भाई, पाकिस्तान का नया कारनामा सुन लो। कारनामा भी ऐसा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल पाकिस्तान भारत की नकल करके अपने देश में आईटीयू यानी शिक्षाविद और सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोल रहा था, लेकिन अब वहां पर बकरा मंडी है, जो ये बात बताता है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है भाई, जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की शिक्षा की धज्जियां उड़ाए जाने पर वहां के पूर्व कुलपति निराश हो गए हैं। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विकास कार्यक्रम के पूर्व कुलपति डॉक्टर उमर सैफ ने जमकर पाकिस्तानी सरकार पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर उमर सैफ ने ट्वीट कर लिखा कि कैसे एक कॉलेज परिसर के लिए चिन्हित साइट को बकरा मंडी में बदल दिया गया है। साल 2013 में हम लोग पाकिस्तान के लिए एक छोटा MIT बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उसमें वो सारी चीजें होती जो भारत के IIT में है, लेकिन आज वो जगह जिसे हमने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए चुना था वो बकरा मंडी बन गई है। सोचिए, भारत के IIT को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान साल 2013 में एक छोटा MIT बनाने का सपना देख रहा था, लेकिन आज उसका सपना मिट्टी में मिल चुका है और पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आप पाकिस्तान की इस बर्बादी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तानियों ने उस जगह जहां छोटे MIT यानी ITU का निर्माण होना था वहां बकरा मंडी ही खोल दी। यहां पशुपालक अपने बकरे को बांधते हैं और बाकी खाली जगह पर लोग अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं। उमर सैफ, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति थे, उन्होंने देश के शिक्षा तंत्र पर हताशा जताते हुए उस जगह की तस्वीर साझा की जहां MIT तैयार करने का निर्णय लिया गया था। अब ये जगह बकरा मंडी है। इसके अलावा यहाँ गाड़ियों की पार्किंग भी की जाती है। उमर सैफ ने नाराजगी में आगे ये भी लिखा, दुनिया के 700 विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान के एक भी यूनिवर्सिटी को जगह न मिलने से लोग निराश होने का दिखावा कर रहे थे। साल 2011 में उन्हें दुनिया के शीर्ष 35 इनोवेटर्स में जगह मिली। खैर, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है भाई, यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की जगह बकरा मंडी खुली है तो ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन जिस देश में आतंकियों का पालन पोषण किया जाए, जिस देश की सरकार आवाम की पेट की रोटी काट कर आतंकियों के लिए हथियार खरीदती है, उससे और क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।